जय हिंद दोस्तों। इक्वल एमएसपी 15,500 होने के बाद पेंशन व सैलरी में कितना इजाफा होगा, कितनी बढ़ोतरी होगी? बता दें 15,038 रुपये का सीधा सीधा इस समय फायदा होगा अगर एमएसपी का केस हम जीत जाते हैं और एमएसपी हमारी 15,500 बराबर कर दी जाती है ऑफिसर के। मैक्सिमम और मिनिमम का नुकसान हो सकता है, क्या होता है मैक्सिमम और मिनिमम, इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि एमएसपी का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, अगर हम जीतते हैं तो एमएसपी बराबर होने पर हमारी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। बता दें अभी तक हमारा केस पूरी तरह से मजबूत है, इसी वजह से शायद जो सरकार है वो केस को किसी ना किसी तरह से उसको आगे बढ़ाने के चक्कर में रहती है। आपने देखा होगा दो बार हमें सुनवाई की डेट मिली, हियरिंग की डेट मिली, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जब सुनवाई हो रही थी जो सीरियल नंबर पर हमारा केस लगा है उस सीरियल नंबर तक केस की सुनवाई हो ही नहीं पाई। दोनों बार ऐसा हुआ है और अब जो नई डेट दी गई है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से वो डेट दी गई है 6 सितंबर, लेकिन उसमें बिल्कुल टाइम भी दे दिया गया है कि 3 बजे सुनवाई 6 सितंबर को शुरू होगी। बता दें कि एमएसपी पर अगर बराबर कर दी जाती है जेसीओ व जवानों की एमएसपी 15,500 होने के बाद पेंशन व सैलरी में कितना इजाफा होगा, जो सर्विंग जवान है उनको कितना फायदा होगा, जो पेंशन आ चुके हैं उनको कितना फायदा होगा। बता दें प्री 2006 वालों को कितना फायदा होगा और पोस्ट 2006 वालों को कितना फायदा होगा। अभी तक जो जेसीओ ओआर को एमएसपी दी जाती है वो 5,200 रुपये यानी कि 5,200 दी जाती है, और इसके बाद जब समान एमएसपी हो जाएगी तो उसको 15,500 कर दिया जाएगा, यानी कि कुल अंतर जो आएगा 10,300 रुपये का। ये अंतर आपकी सीधा सीधा बेसिक में इजाफा करने वाला होगा, क्योंकि एमएसपी बेसिक में ऐड की जाती है केवल डीए के माध्यम से, यानी कि डीए ही उसमें आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो एमएसपी बेसिक के तौर पर ली जाती है जिसका सीधा सीधा 10,300 रुपये का फायदा होगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसमें जो डीए लगेगा 46%, 1 अगस्त 2023 से आपका 46% डीए हो चुका है। तो डीए जब 46% लगेगा तो एमएसपी पर मिलने वाला जो डीए हो जाएगा 46% के हिसाब से अगर उसको जोड़ दें तो 4,738 रुपये आपका डीए बन जाएगा, और डीए बनने के बाद आपका जो सर्विंग जवान जेसीओ हैं उनकी सैलरी में सीधा सीधा जो इजाफा होगा 15,038 रुपये का इजाफा हो जाएगा। बेसिक जो आपका ऐड होगा वो प्लस आपका डीए जो बढ़ेगा 15,038 रुपये, जो सर्विंग जेसीओ जवान हैं उनको सीधा सीधा फायदा होगा, यानी कि सैलरी में 15,038 रुपये का फायदा होगा। अभी हम बात कर लेते हैं जो पेंशन आ चुके हैं उनको कितना फायदा होगा और प्री 2006 वालों को कितना फायदा होगा, पोस्ट 2006 वालों को कितना इसका फायदा मिलेगा। पेंशन भोगियों की जो पेंशन में इजाफा होगा, बता दें पेंशन में जुड़ने वाली एमएसपी उनको मिलेगी 10,300 का आधा, यानी कि 5,150 रुपये। ये उनकी बेसिक में ऐड होगा, यानी कि आपकी जो बेसिक है वो 5,150 सीधा सीधा बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसमें भी डीए आपको लगेगा जो कि 5,150 में डीए लगेगा, उसको भी अगर 46% जोड़ लिया जाए तो 2,369 यानी कि 2,369 रुपये आपका डीए बन जाएगा। इस हिसाब से आपको पेंशन में कुल एमएसपी का इजाफा हो जाएगा 7,519 रुपये, यानी कि कोई भी पेंशनर्स जो रहेंगे पोस्ट 2006 वाले उनको सीधा सीधा 7,519 रुपये का फायदा होगा, लेकिन जो प्री 2006 वाले होंगे उनको इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका जो एवरेज और मैक्सिमम के आधार पर, मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर उनकी पेंशन कैलकुलेट होती है जो प्री 2006 वाले हैं, तो उस हिसाब से उनकी पेंशन इससे कम रहेगी, उनको एमएसपी का लाभ इससे कम मिलेगा। जबकि डिमांड जो हमारी मांग है मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज हमें ना दिया जाए, हमारी जो डिमांड है मैक्सिमम का मैक्सिमम दी जाए, जो पेंशन है वो मैक्सिमम दी जाए, ना कि मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज दिया जाए। इसी वजह से कई पेंशनर्स की पेंशन कम होती है जबकि सेम सर्विस की है, सेम कैटेगरी के हैं, और कई लोगों की पेंशन ज़्यादा रहती है।
यही वजह है कि एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम से हमें नुकसान होता है। तो हमारी जो मांग है कि मैक्सिमम पर हमारी पेंशन निर्धारित हो, अगर मैक्सिमम पर पेंशन निर्धारित होगी, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट 2006 वाले हो, सभी को एमएसपी का सीधा सीधा लाभ 7000 कुछ रुपए होगा, यानी कि उनको सीधा सीधा लाभ पूरा मिलेगा एमएसपी का। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।